अगर आप भी मुशीर खान को आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी में मुशीर खान की खतरनाक बल्लेबाजी और उनके दोहरे शतक को देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही दीवाना नहीं हो गया, बल्कि मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी भी मुशीर खान की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुई और फिर उन्होंने आईपीएल में खेलने के लिए मुंबई की तरफ से करोड़ों रुपए का ऑफर देकर हर किसी को चौंका दिया। तो आखिर नीता अंबानी ने मुशीर खान को कितने करोड़ रुपए का दिया ऑफर? क्या मुशीर खान मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल 2025 पे खेलते हुए आएंगे नजर? खुद नीता अंबानी ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मुशीर खान को आईपीएल में किस टीम की तरफ से खेलना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की टैलेंट की खदान से एक 19 साल का उभरता हुआ सितारा इतनी छोटी सी उम्र में ही टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी 2024 पहले राउंड मैच के पहले दिन तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा, जहां चार खिलाड़ी रनों के लिए जूझते रहे, वहीं दूसरी ओर एक 19 साल के युवा खिलाड़ी ने चमक बिखेरी। इस युवा स्टार ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को मुश्किल से निकाला। वन मैन आर्मी की तरह एक छोर पर डटकर विपक्षी गेंदबाजों का सामना करने वाले इस युवा बल्लेबाज का नाम है मुशीर खान। मुंबई की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मुशीर के बड़े भाई सरफराज खान ने हाल ही में टीम इंडिया की ओर से टेस्ट में डेब्यू किया। मुशीर अब धीरे धीरे अपने प्रदर्शन से खुद अपनी पहचान बना रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में मुशीर ने शानदार शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बता दें कि मुशीर खान दिलीप ट्रॉफी 2024 में इंडिया बी टीम की ओर से खेल रहे हैं। टीम के स्टार खिलाड़ियों के सस्ते में आउट होने के बाद मुशीर ने नवदीप सैनी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। गेंदबाजों के तूफान के बीच युवा बल्लेबाज मुशीर खान ने डटकर मोर्चा संभाले रखा और एक बेहतरीन शतक जमा दिया। इंडिया बी की ओर से खेलते हुए 19 साल के मुशीर ने इंडिया ए के खिलाफ पहले दिन के शतक जमाया और मुश्किल में फंसी अपनी टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। दूसरे दिन भी मुशीर खान का वही प्रदर्शन जारी रहा और टेस्ट को T20 के अंदाज में खेलकर अपने 150 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया। इसी के बाद भी उनका बल्ला नहीं रुक रहा। हर गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए अपने डेब्यू मैच में ही मुशीर खान ने 181 रन जड़ दिए, जिसे देखकर तो पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया। हर कोई मुशीर खान की तारीफ करने लगा। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर मुंबई इंडियंस के मालकिन नीता अंबानी भी मुशीर खान की दीवानी हो गई। उन्होंने तो मुशीर को आईपीएल में अपनी टीम से खेलने के लिए करोड़ों रुपए देने का ऑफर भी कर दिया और उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको नीता अंबानी का वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने मुशीर खान को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहा है और कितने करोड़ रुपए देना चाहती हैं। दिलीप ट्रॉफी में मुशीर खान की बल्लेबाजी देखकर नीता अंबानी ने बयान दिया और कहा कि भारतीय क्रिकेट में युवा टैलेंट का खदान है। मुशीर खान ने अपने बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मैं जितनी भी तारीफ करूं इस युवा खिलाड़ी की उतनी कम है। मुझे इनके अंदर युवा सचिन नजर आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुशीर बहुत जल्द भारतीय टीम में भी अपनी जगह बना सकते हैं। मैं उनकी बल्लेबाजी की इतनी बड़ी दीवानी हो गई हूं कि अगर वो मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में खेलना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। चाहे मुझे इसके लिए कितने करोड़ रुपए ही थी मुशीर खान को देने क्यों ना पड़ सके, मैं देने के लिए तैयार हूँ। 100 से 200 करोड़ रुपए में मुशीर खान को अपनी टीम में शामिल कर सकती हूँ। उनके आने से हमारी टीम और मजबूत हो जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो टीम को ज़रूर आईपीएल की ट्रॉफी दिलवाएंगे। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से मुशीर खान की दीवानगी हो गई है नीता अंबानी में, और खुद उन्होंने खुलासा करते हुए बता दिया कि वो मुशीर खान को अपनी टीम मुंबई इंडियंस में शामिल करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है मुशीर खान को आईपीएल में किस टीम के साथ खेलना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा पर लग सकती है 1000 करोड़ से ज्यादा की अधिक बोली। ये हम नहीं बल्कि आईपीएल टीम के मालिकों का है ऐलान। अब खुद प्रीति जिंटा से लेकर नीता अंबानी, यहां तक कि शाहरुख खान, श्रीनिवासन से लेकर विजय माल्या ने रोहित को खरीदने पर कर दिया है चौंकाने वाला बयान। तो आखिरकार किस टीम के मालिक लगा सकते हैं रोहित शर्मा पर सबसे बड़ी बोली? नीता अंबानी और प्रीति जिंटा कितने करोड़ देकर करेंगे रोहित के लिए खर्चा? कौन लगाएगा रोहित पर सबसे बड़ी बोली? इन सभी के वो दिलचस्प बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा किस टीम के साथ आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल का खुमार पूरे विश्व में भरा हुआ है। 2025 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इस तैयारी को तेज करने के लिए बीसीसीआई और फ्रेंचाइजियों ने कई मीटिंग भी कर ली है। इस साल यानी 18 में संस्करण की शुरुआत से पहले इस बार मेगा नीलामी होगी।
इसके लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, आईपीएल 2025 को लेकर कई टीमों का खराब प्रदर्शन पहले देखने को मिला था। इसी लिस्ट में मुंबई इंडियंस का भी नाम शामिल है। मुंबई ने तो टॉप फोर में भी क्वालिफाई नहीं किया था। अब हम बात 2024 के आईपीएल की कर रहे हैं। खराब परफॉर्मेंस और भी कई कारणों के चलते मुंबई इस सीजन में अपने फैंस को काफी निराश करती हुई नजर आई थी। पहले रोहित से कप्तानी छीनी गई, फिर हार्दिक पांड्या को टीम में लाया और उन्हें कप्तानी दी। ये सब छोटी बड़ी गलतियां मुंबई इंडियंस को इस सीजन में भुगतनी पड़ी और प्लेऑफ में भी जगह नहीं बन पाई। रोहित को हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंदर खेलना पड़ता था। इसके बाद तो इसी सीजन से सबके मन में सवाल उठने लगा कि क्या रोहित शर्मा अगले सीजन यानी आईपीएल 2025 में मुंबई की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे या नहीं। और भी ये सवाल हर फैंस के मन में बना हुआ था। आईपीएल 2025 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बार मेगा ऑक्शन होने वाला है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि रोहित शर्मा भी अपना नाम मेगा ऑक्शन में डाल सकते हैं, जिसके लिए कई फ्रेंचाइजियों की नजर भी रोहित शर्मा के ऊपर टिकी हुई है। हर कोई चाहेगा कि रोहित को अपनी टीम में लेकर कप्तान बनाया जा सके। लेकिन इसी बीच खबरों के मुताबिक एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर तो हर कोई दंग हो गया है। इतना ही नहीं, आईपीएल टीम के मालिकों ने खुलासा करते हुए बता दिया है कि वो रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए की रकम चुका सकते हैं। और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से नीता अंबानी से लेकर प्रीति जिंटा, शाहरुख खान और विजय माल्या ने बयान देते हुए रोहित शर्मा पर पैसे लुटाने की बात की है, वो देखकर तो लगता है कि आईपीएल 2025 में सीजन की शुरुआत के बाद ही रोहित शर्मा दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इन सभी मालिकों के बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ रोहित शर्मा को लेकर इन लोगों ने कहा है। मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को लेकर कहा कि रोहित जैसा खिलाड़ी और कप्तान हमने आज तक नहीं देखा। हमसे पिछले सीजन में बहुत बड़ी चूक हो गई थी और हम वो दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। हम किसी भी हाल में रोहित शर्मा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी करोड़ रुपए की मोटी रकम चुकानी पड़े। हम रोहित को 100 करोड़ से भी अधिक दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हम टीम से बाहर नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी टीम के लिए बहुत कुछ किया है, 5 बार चैंपियन बनाया है। हमने अपना डिसीजन भी सोच लिया है, इस सीजन हार्दिक की जगह रोहित ही कप्तानी करेंगे। वहीं पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने भी बयान देते हुए कहा है कि अगर रोहित शर्मा एक्शन में आते हैं तो हम उनको लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे हमें कितनी भी मोटी रकम चुकानी पड़े, मुझे उम्मीद है कि अगर वो हमारी टीम में आएंगे तो ज़रूर पंजाब को एक बार चैंपियन बनाएंगे। मुझे उनके जैसा खिलाड़ी आज तक देखने को नहीं मिला। उन्होंने मुंबई के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उनके खेल और कप्तानी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं ज़रूर चाहूँगी कि रोहित हमारी टीम में आए। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मालिक विजय माल्या ने भी कहा है कि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी पूरे विश्व में कोई नहीं है। उन्होंने भारत को विश्व कप जिताया, मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि रोहित हमारी टीम में आए। इसके लिए मैं उन्हें 100 करोड़ से अधिक की रकम दे सकता हूँ। वो ज़रूर हमारी टीम को चैंपियन बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है उनके आने से हमारी टीम मजबूत होती हुई नजर आएगी। मुझे उनके अंदर काफी टैलेंट नजर आता है। वहीं शाहरुख खान ने भी इच्छा जाहिर करते हुए रोहित को लेकर कहा है कि रोहित कमाल के खिलाड़ी हैं और कप्तान हैं। उनके जैसा प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मुंबई उनके साथ छोड़ता है तो मैं जरूर रोहित को अपनी टीम में लेना चाहूंगा। उनके आने से हमारी टीम और मजबूत हो जाएगी। उन्होंने मुंबई के लिए 5 बार ट्रॉफी जीती है। अगर वो हमारी टीम में आते हैं तो जरूर हम फिर से चैंपियन बनेंगे। मुझे उन पर सबसे अधिक भरोसा है। साथ ही साथ चेन्नई टीम के मालिक ने भी कहा, मैं रोहित को अपनी टीम में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो सबसे बड़ी बोली मैं उनके लिए लगा सकता हूँ। वो मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मैं उनको पहले प्रायोरिटी पर रखकर टीम में शामिल करूंगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे मुझे उसके लिए 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए क्यों ना चुकाना पड़े। तो दोस्तों, आपने किस तरह से देखा कि टीमों के मालिकों ने खुलासा कर दिया है कि रोहित को वो अपनी टीम में शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए चुका सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के साथ खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में बनेंगे सबसे महंगी खिलाड़ी। 25 करोड़ की रकम लेकर इस टीम की तरफ से खेलेंगे रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय टीम के विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई की टीम का साथ छोड़कर नीलामी में आने वाले हैं, जहां पर उन्हें सबसे करोड़पति खिलाड़ी बनेंगे। क्योंकि रोहित शर्मा को लेने के लिए अब 4 टीमें आगे आ चुकी हैं। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला और रोहित शर्मा आखिरकार कितने करोड़ में किस टीम की तरफ से आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर सभी आईपीएल टीम अपने खिलाड़ियों को रिटर्न करने की
तैयारी में लग चुकी हैं। इस दौरान आईपीएल 2025 को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा अपनी मुंबई इंडियंस की टीम का साथ छोड़कर नीलामी में आने वाले हैं, जिसके चलते उनके ऊपर सभी के निगाहें रहने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस की टीम के साथ संबंध पिछले साल खराब हो चुके थे, क्योंकि जब उन्होंने हार्दिक पांड्या को गुजरात की टीम से ट्रेड करते हुए अब मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया और उनको कप्तान बना दिया था, जिसके बाद 5 बार टीम को चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा को कप्तान से हटा दिया गया के बाद माना जा रहा था कि रोहित शर्मा आईपीएल में अपनी टीम को छोड़ेंगे, लेकिन अब रोहित शर्मा इस साल मुंबई की टीम से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। ऐसे में रोहित शर्मा को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर अब कंफर्म हो चुका है कि रोहित शर्मा मुंबई की टीम का साथ छोड़कर नीलामी में आने वाले हैं, जहां पर उनको खरीदने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 4 टीम तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि सभी को पता है कि रोहित शर्मा के पास में किस तरीके के टी20 अंदाज में बल्लेबाजी करने की काबिलियत मौजूद है और किस तरीके से वो अपनी कप्तानी के जरिए सभी को प्रभावित कर चुके हैं। अब अगर ऐसे में रोहित शर्मा आईपीएल की नीलामी में जाएंगे तो शायद आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे और वो मिशेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में पीछे छोड़कर आईपीएल इतिहास के सबसे करोड़पति खिलाड़ी भी बनेंगे। आपको बता दें मिशेल स्टार्क को कोलकाता ने पिछले साल भारी भरकम रकम देकर खरीदा था, ऐसे में अब रोहित शर्मा को टीम में शामिल करने के लिए ज्यादातर टीम में तैयारियां हैं, लेकिन कुछ टीम पूरी तरीके से रोहित शर्मा को मनमांगी रकम देगी, जिसके सबसे पहला नाम पंजाब की टीम का आता है, क्योंकि शिखर धवन के संन्यास के बाद अब रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाज के साथ में ब्रांड इंडियन खिलाड़ी और कप्तान के रूप में शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए प्रीति जिंटा मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार रहने वाली है। इसके अलावा चेन्नई की टीम भी रोहित शर्मा को खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद टीम को एक बेहतर खिलाड़ी और कप्तान की जरूरत है, जिसकी कमी रोहित शर्मा पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे उम्मीदवार के रूप में बेंगलुरु की टीम का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि बेंगलुरु की टीम अब एक भारतीय कप्तान को देखने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ बेंगलुरु की टीम कोई बेहतरीन कप्तान और भारतीय ब्रांड भी विराट कोहली के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा अंतिम टीम के रूप में अब गुजरात की टीम रोहित शर्मा को खरीदने के लिए तैयार है, जो अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन कप्तान की खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा किस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।